गुड मॉर्निंग क्लास 5th। देखिए आज हम नेक्स्ट पार्ट करते हैं, इंट्रोडक्शन पार्ट, जिसमें हमें लोवेस्ट कॉमन फैक्टर के मल्टीपल के बारे में बताया है। लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होगा? देखिए हमें किसी गिवन नंबर्स के मल्टीपल निकालने हैं, फिर उनके दो के बीच में कॉमन देखने हैं और उन कॉमन्स में से हमें फाइंड आउट करना है द लोवेस्ट मल्टीपल निकालना है। अभी देखिए क्या है, लेट अस कंसीडर द नंबर 4 एंड 6। दो नंबर दिए गए हैं हमें, इनके मल्टीपल्स निकालने हैं। निकालिए 4 के मल्टीपल्स हमें पता है, 4 की टेबल कर लो या फिर किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके, ठीक है। 4 को हमें किसी से मल्टीप्लाई करके उनके मल्टीपल्स निकालने हैं, 4, 8, 12, 16, 20, 24 इस तरीके से। और फिर आ गया 6 का, 6 के मल्टीपल्स निकाल लिए, ठीक है। आपको पता है मल्टीपल्स कैसे निकाले जाते हैं। अब देखिए मल्टीपल्स निकालने का काम हमने कर लिया, अब क्या करेंगे, कॉमन निकालेंगे। कॉमन निकालिए, सबसे पहला आता है 12, फिर आता है 24, फिर आता है 36। आप आगे तक भी लिख सकते हो, लेकिन हमें लोएस्ट चाहिए। लोएस्ट शुरू में ही मिलेगा ना, सबसे पहला जो कॉमन मल्टीपल मिलेगा वही हमारा क्या जाएगा, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, LCM, ठीक है। तो 12 इनमें सबसे छोटा और कॉमन मल्टीपल है, तो हमारा 12 क्या होगा, द 12 इज मल्टीपल विच इज लोवेस्ट और लीस्ट, जो कि सबसे छोटा है। लीस्ट का भी मतलब सबसे छोटा है, ठीक है। द स्मॉलेस्ट नंबर दैट कैन बी डिवाइडेड बाय गिवन नंबर्स विदाउट लिविंग एनी रिमाइंडर इज कॉल्ड लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल या फिर लीस्ट कॉमन मल्टीपल। जो सबसे छोटा नंबर होता है, जो गिवन नंबर्स यानी कि 4 एंड 6 से डिवाइड हो जाए, 12 4 से भी डिवाइड है, 6 से भी डिवाइड है, ठीक है। विदाउट लिविंग एनी रिमाइंडर, इनमें कुछ नहीं बचता ना, रिमाइंडर कुछ नहीं बचता, इज कॉल्ड लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। तो ये आपको डेफिनेशन दी गई है LCM की, आप इसको याद कीजिएगा, ठीक है। द स्मॉलेस्ट नंबर दैट कैन बी डिवाइडेड बाई गिवन नंबर्स विदाउट लिविंग एनी रिमाइंडर इज कॉल्ड द लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। अब देखिए हमें आगे बताया गया है कि जो चीज हमें यहाँ पे शॉर्ट में दिखाई गई है वही यहाँ पे ब्रॉड करके दिखा दी गई है। सीता एंड हर फ्रेंड गीता वर प्लेइंग द लॉन्ग जम्प, बोथ स्टार्टेड फ्रॉम द सेम प्लेस, दोनों ने एक ही प्लेस यानी कि 0-0 से स्टार्ट किया। सीता है वो 3 फीट के गैप पर कूदती है, ठीक है, जंप लगाती है। सबसे पहला लगाया 3 पर, फिर लगाया 6 पर, फिर लगाया 9 पर, फिर लगाया 12 पर और फिर 15 पर। अब देखिए 3, 6, 9, 12, 15, ये एक तरह से मल्टीपल्स है ना। 3 × 1 कितना हो गया 3, 3 × 2 कितना हो गया 6, 3 × 3 कितना हो गया 9, 3 × 4 12, 3 × 5 15। इसी तरीके से तो हम मल्टीपल्स निकालते हैं, राइट। तो हमने 3 के मल्टीपल्स लिख लिए। अब देखिए गीता है वो क्या करती है, 5 फीट के डिफरेंस पे क्या लगाती है, जंप लगाती है। तो पहला लगाया 5 पर, सेकंड लगाया 10 पर, फिर लगाया 15 पर। तो 5 × 1 फर्स्ट मल्टीपल, 5 × 2 सेकंड, 5 × 3 थर्ड मल्टीपल। तो इस तरीके से मल्टीपल्स आए 5 के, यानी कि ये सीता के हैं, ये गीता के मल्टीपल्स हैं, ठीक है। अब इनमें से कॉमन चेक कीजिए, ये और ये अलग अलग हैं। 15 एक ऐसा है जो हमारा कॉमन निकल कर आता है, और हमें क्या करना होता है, लोएस्ट निकालना होता है, यानी कि फर्स्ट ही जो कॉमन मल्टीपल आता है वही हमारा LCM होता है। तो ये देखिए 15 हमारा फर्स्ट कॉमन मल्टीपल आ गया, तो इनके बीच में LCM कितना होगा, 15। सिंपल था, है ना, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल ऐसे ही, ठीक है। अब देखिए LCM ऑफ 3 नंबर्स, मतलब कि 3 नंबर दिए होंगे उनके बीच में कॉमन मल्टीपल और फिर LCM निकालना है। सेम है 4, 6, 8 तीनों के मल्टीपल्स लिखो, तब तक लिखो जब तक आपको कोई एक कॉमन मल्टीपल नहीं मिल जाता, जैसे कि इन्होंने 24 तक लिखा है, राइट। तो 24 इज द फर्स्ट कॉमन मल्टीपल और जो लोवेस्ट भी है, क्योंकि 24 से पहले क्या कोई और कॉमन फैक्टर है, सॉरी मल्टीपल है, नहीं है ना। तो 24 इज द लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। सिंपल है कि आप तब तक मल्टीपल लिखो जब तक आपको कोई कॉमन मल्टीपल नहीं मिल जाता। अगर LCM निकालना है तो हमें सिर्फ सबसे छोटे वाला कॉमन मल्टीपल चाहिए। अब देखिए यहाँ पर 24 तक ही क्यों लिखा,
क्योंकि 6 में भी 24 आता है और 8 में भी 24 आता है, तीनों में कॉमन है। इससे पहले क्या कोई नंबर कॉमन है? 16 इधर है, बट क्या इसमें है? नहीं है, 24 ही ऐसा नंबर है जो लोवेस्ट है, कॉमन भी है ना, और तीनों से डिवाइड भी हो जाता है बिना किसी रिमाइंडर के, यानी कि पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है। तो ये क्या होगा? हमारा एलसीएम होगा, ठीक है। तो आज का आपका यही होमवर्क है कि आप इस तरीके से एलसीएम को निकाल कर चेक करोगे। तो मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दे देती हूँ, आप अच्छे से करना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो मैं आपको दे रही हूँ वो है कि आपको मल्टीपल्स निकालने हैं किसके, 2 के, 6 के और 10, ठीक है, तीनों के निकालने हैं और इसमें एलसीएम बताना है, ठीक है। सेकंड क्या होगा? सेकंड आपका लगा लीजिए 4 हो गया, 8 एंड 12, ठीक है, इसमें भी आपको एलसीएम बताना है। थर्ड हो गया आपका 6, 8, 10, ठीक है, एलसीएम। और फोर्थ क्वेश्चन आपका है 10, 20 एंड 30, एलसीएम। इनके मल्टीपल्स निकालो, उसमें से कॉमन निकालो और फिर क्या करो, एलसीएम बता दो जो लोवेस्ट होगा। ओके, सिंपल है, बहुत इजी क्वेश्चंस हैं, आप अच्छे से कर लोगे। आई नो आपकी क्लास बहुत इंटेलिजेंट है। ओके क्लास, आप अच्छे से होमवर्क कीजिएगा। थैंक यू सो मच। ओके।